बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, अब पटना से अयोध्या होकर लखनऊ तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पटना से लखनऊ जाने वाले और अयोध्या की यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही भारतीय रेल जो है पटना से लखनऊ के लिए जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का जो तैयारी जो है वो कर रही है। ये जो ट्रेन जो है अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी, इससे बिहार के लोगों को यहाँ पर काफी सुविधा होगी, जिसका यहाँ पर लखनऊ आना जाना लगा रहता है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने इसके लिए सर्वे का काम जो है वो शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने रूट सर्वे नोटिफिकेशन पर काम यहाँ पर कर लिया है। अब बिहार को जल्द ही यहाँ पर पटना से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन का तोहफा मिलेगा। दरअसल रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में बिहार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है राम मंदिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएगी। यह भी एक कारण है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। अनुमान है कि ट्रेन जो है लखनऊ से सुबह यहाँ पर रवाना होगी और दोपहर को पटना पहुंचेगी। लखनऊ से पटना की दूरी में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 घंटों का समय यहाँ पर लगेगा, चूंकि ये ट्रेन अयोध्या होकर लखनऊ जाएगी। फिर भी पटना से लखनऊ और यहाँ पर लखनऊ से पटना जाने वाले यात्रियों को एक और नई ट्रेन यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही वंदे भारत ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों का भी यहाँ पर कम समय में अपने गंतव्य तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले लखनऊ से यहाँ पर पटना से लखनऊ तक वंदे भारत को सुल्तानपुर होकर चलाए जाने की योजना थी। इसको लेकर सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो गया था। बाद में राम मंदिर के उद्घाटन को यहाँ पर देखते हुए रूट में बदलाव किया जाने का फैसला किया है। बता दें आपको 2024 जनवरी में ही यहाँ पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए पर्यटन और तीर्थ के दृष्टिकोण से इसे अयोध्या होकर चलाए जाने का फैसला जो है वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए लिया गया है। वही पटना से लखनऊ तक जाने वाली रूट यहाँ पर जाने वाले रूट को बदलने के बाद रेलवे ने वाया अयोध्या वाले रूट पर फिर से यहाँ पर सर्वे का काम रेलवे कर रहा है। अब वंदे भारत ट्रेन जो है पटना जंक्शन से आरा बक्सर जौनपुर अम्बेडकर अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। रेलवे के अधिकारी के अनुसार उत्तरी रेलवे ने लखनऊ मंडल की देखरेख के लिए अयोध्या रूट पर सर्वेक्षण का काम शुरू यहाँ पर जो है वो कराएगा। वैदानपुर जो दानापुर रेलवे मंडल है और इसके अलावा वाराणसी रेल मंडल ने रूट सर्वेक्षण का काम पहले यहाँ पर खत्म कर लिया है। वही बिहार वासियों के लिए खुशी की बात यह भी है कि पटना से लखनऊ तक चलने वाले वंदे भारत ट्रेन का जो ठहराव जो है आरा स्टेशन पर भी होगा। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोच फैक्ट्री से रेलवे बोर्ड को पटना वंदे लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैंक में आवंटित किया जा चुका है। उम्मीद है कि बोर्ड इस महीने इस ट्रेन को अधिसूचना यहां पर जो है इस ट्रेन की अधिसूचना जारी करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एक साथ कई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा जो है रेलवे बोर्ड कर सकता है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पर पटना जो है भारत ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन उसे लेकर जोर शोर से विचार यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही रूट पर ट्रेन के सफल प्रचलन के लिए भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है। वही पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस किसी रूट पर चलाई जाएगी, इस पर जोर शोर से मंथन अभी चल रहा है। वैसे अभी तक अयोध्या या फिर सुल्तानपुर रूट को लेकर रेलवे की ओर से कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वैसे लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को लेकर सर्वे का काम जो है पूरा हो चुका है।